पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारत राष्ट्र के सच्चे और प्रहरी राष्ट्रभक्त थे और ये अपनी बातों से भारतीयों को प्रेरणा देते थे। राष्ट्र की सेवा के लिए उपाध्याय जी हमेशा तत्पर रहते थे। उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि वो अपने वतन की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र को ऊंचाइयों तक ले जा सकें, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और वन हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो के लिखित रूप को पढ़ना या किसी को शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर प्रेस करके हमारे सभी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस यूट्यूब पर सबसे पहले पाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चिंतक और संगठनवादी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म एक माध्यमिक परिवार में 24 सितंबर 1916 में उत्तर प्रदेश के पवित्र ब्रजभूमि मथुरा के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद और इनकी माता का नाम राम प्यारी था। इनके पिता रेलवे में एक सहायक स्टेशन मास्टर थे। इनकी माता बहुत ही धार्मिक थी। रेलवे की नौकरी के कारण इनके पिता घर से दूर ही रहते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक छोटा भाई भी था, उनका नाम शिवदयाल था। इनकी 2.5 साल की उम्र में ही इनके पिता भगवती प्रसाद जी का देहांत हो गया, जिसके कारण इनकी माँ भी बीमार पड़ने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 8 अगस्त 1924 को जब दीनदयाल उपाध्याय जी को 7 वर्ष हो रहा था तो इनकी माता का भी निधन हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी माता और पिता के प्यार से 7 साल की उम्र में ही वंचित हो गए। इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी नाना के यहाँ होने लगा। इनके नाना भी राजस्थान के रेलवे मास्टर थे। जब इनकी उम्र 10 साल की हुई तो इनके नाना जी का भी देहांत हो गया। इसके बाद ये अपने मामा के घर चले गए। छोटी सी ही उम्र में खुद के साथ साथ इनके छोटे भाई की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर आ गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत ही बहादुर और सहनशील थे, क्योंकि अगर इनकी जगह पर कोई और होता तो वो अपने घुटने टेक देता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते ही चले गए। उपाध्याय जी बचपन से ही बुद्धिमान और मेहनती थे। हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने राजस्थान के सीकर नामक स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ हाई स्कूल में इन्होंने टॉप किया। हाई स्कूल में टॉप करने के लिए उपाध्याय जी को महाराजा कल्याण सिंह के द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया और उसके साथ साथ 10 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति और 250 रुपये किताबों के लिए मिला। उन्होंने अपने इंटर की शिक्षा बिरला कॉलेज पिलानी और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कानपुर में की। उपाध्याय जी और पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में MIA में दाखिला लिया। वहाँ इन्होंने अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई शुरू की। हमेशा की तरह इन्होंने पहले वर्ष की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास किया, लेकिन अचानक इनकी एक ममेरी बहन की तबीयत खराब होने के कारण इनकी पढ़ाई पूरी ना हो सकी। उसके बाद अपने मामा के कहने पर इन्होंने प्रशासनिक परीक्षा को पास कर लिया, लेकिन उसमें अभिरुचि ना होने के कारण इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और LT की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद चले गए। सन 1942 में इन्होंने अपनी LT की पढ़ाई पूरी कर ली और अपना जीवन विद्यार्थियों को सौंप दिया। पंडित जी स्वाध्याय पर बहुत जोर डालते थे। उनका मानना था कि पठन पाठन और चिंतन मनन से मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कानपुर में BA की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने अपने दोस्त सुंदर सिंह और बालूजी महाशब्दे के साथ मिलकर समाज सेवा का काम शुरू किया। उसी समय ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और संघ कार्यकर्ता भावराव के साथ समाज सेवा का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक इनके साथ काम करने से संघ के द्वारा इनको RSS के 40 दिवसीय नागपुर के शिविर का हिस्सा बनाया गया। श्री भावराव देवरस से प्रभावित होकर इन्होंने लखनऊ में राष्ट्रधम प्रकाशन स्थापित की, जिसके अंतर्गत मासिक पत्रिका राष्ट्रधम प्रकाशित होने लगी। इसके बाद पांचजन्य और स्वदेश दैनिक समाचार भी यहीं से प्रकाशित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू विचारधारा को बढ़ावा देना था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक अच्छे साहित्यकार एवं लेखक भी थे। अपनी विचारधारा को युवाओं तक पहुंचाने के लिए सन 1946 में इन्होंने एक पूरी रात जगकर सम्राट चंद्रगुप्त नामक एक उपन्यास लिख डाला।
इस उपन्यास को लोगों ने बहुत पसंद किया और इसके चलते उन्होंने गुरु शंकराचार्य के नाम से दूसरा उपन्यास लिखा। उसके बाद उन्होंने उपन्यास लिखना छोड़ दिया और अपने विचारों को कई लेखों के द्वारा सबके सामने रखते गए। उनमें से कुछ प्रमुख अखंड भारत क्यों, राष्ट्र जीवन की दशा, राष्ट्र चिंतन जैसे लेख हैं। अपने जीवन में अभूत से सफलता पाने के बाद इन्होंने अपने आप को देश की सेवा में लगा दिया और राजनीति में आ गए। अखिल भारतीय जनसंघ के निर्माण होने पर इनको सन 1951 में संगठन मंत्री बनाए गए और 2 साल के बाद इनको अखिल भारतीय जनसंघ का महामंत्री बनाया गया। उपाध्याय जी ने इसी पद पर लगभग 15 वर्ष तक कार्य किया और देश की सेवा करते रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक महान विचारक और चिंतक भी थे। पंडित जी ने भारत की सल्तनत की विचारधारा को युगानुकूल रूप में देश को एकात्म मानव दर्शन जैसे प्रगतिशील विचारधारा दी है। इन्होंने अपनी पुस्तक एकात्म मानववाद में साम्यवाद और पूंजीवाद की समालोचना की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना है कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं बल्कि भारत की संस्कृति है। 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रेल यात्रा के दौरान रहस्यमय तरीके से मुगल सराय के पास हत्या कर दी गई। मुगल सराय के रेलवे यार्ड में इनकी लाश मिलने पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अपने प्रिय नेता को खोने के बाद अखिल भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता और नेता अनाथ से हो गए, लेकिन आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे लोग हमारे समाज में हमेशा अमर रहेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह जीवनी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन हिंदी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।